A new topic we will discuss from the chapter solution is conceptual questions based on chapter solution. Fifth part is ideal and non-ideal solution and azeotropic mixture. Ideal solution कौन से solution होते हैं जो Raoults law को obey करते हैं और non-ideal solution कौन से होते हैं जो Raoults law को obey नहीं करते. पहला जो next conceptual question इस topic के ऊपर based है कि 10 cubic centimeter of liquid A को हमने mix किया 10 cubic centimeter of liquid B. अब हमारे पास एक तो liquid A है और एक liquid B है. जो liquid A का volume है वो है 10 centimeter cubic centimeter और जो liquid B का volume है वो है 10 cubic centimeter. इन दोनों को हमने क्या किया mix किया. The volume of the resulting solution was found. इनको जो mix करने के बाद जो volume हमारे पास आया है वो आया है 19.99 cubic centimeter. लेकिन अगर हम 10 को 10 के साथ mix करें तो 20 बनता है. लेकिन आया कितना 19.9 तो volume क्या हो गया कम हो गया. तो आपको इससे क्या पता चलता है कि decrease in volume. Volume जो है वो क्या हो गया decrease हो गया. वॉल्यूम के डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो जब हम मिक्सिंग कर रहे थे तो जो लिक्विड ए के पार्टिकल्स थे और जो लिक्विड बी के पार्टिकल्स थे उनमें क्या थी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी. जो लिक्विड ए के पार्टिकल थे और जो लिक्विड बी के पार्टिकल थे उनमें क्या थी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन मिक्स किया हमने लिक्विड ए एंड बी वो क्या शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है कम हो गया फ्रॉम Raoults law. नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है टू लिक्विड्स ए एंड बी ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूसेस ए वार्म सॉल्यूशन. दो लिक्विड्स है ए एंड बी उनको मिक्स किया और क्या प्रोड्यूस कर रहा है वार्म सॉल्यूशन. ये किस टाइप की डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है. वार्मिंग अप द सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो जब हमने मिक्स किया दो लिक्विड्स को तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि डेल्टा एच क्या हो रहा है नेगेटिव आ रहा है. तो ये सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. व्हाई डज ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoults law. कि जो एथेनॉल का सॉल्यूशन है और जो साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है. जब हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. मतलब जब हम दो लिक्विड्स दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन को एथेनॉल के साथ मिक्स कर रहे हैं. जब हम साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर रहे हैं एथेनॉल में तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं साइक्लोहेक्सेन के एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के जो इन बिटवीन है उनको क्या कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है. और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब वो ब्रेक कर देगा तो एथेनॉल और एथेनॉल की इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगी. इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिव डेविएशन जो है शो करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जब हम वेपर्स को हीट करते हैं और जब वेपर्स जब लिक्विड बॉयल कर रहा है लिक्विड को हीट करेंगे लिक्विड जब बॉयल करेगा तो जो वेपर्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. वेपर्स जो बनेंगे वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे और जो वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. 2 ग्राम ऑफ ईच ऑफ सॉल्यूट ए जो सॉल्यूट है उसका भी कितना मास है 2 ग्राम और जो बी सॉल्यूट है उसका भी मास क्या है 2 ग्राम. उनको हमने सेपरेटली डिसॉल्व किया इन 20 ग्राम ईच ऑफ द सेम सॉल्वेंट सी. मतलब 2 ग्राम जो ए सॉल्यूट का मास है 2 ग्राम उसको डिसॉल्व किया 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सी में और बी का जो 2 ग्राम है उसको भी डिसॉल्व किया 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सी में. इनमें से कौन सा जो है ग्रेटर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शो करेगा और क्यों करेगा. फॉर डिल्यूट सॉल्यूशंस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस पी एच डिवाइड बाई पी नॉट. पी नॉट क्या होता है वेपर प्रेशर माइनस पी एस प्रेशर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेपर प्रेशर. ये जो पी नॉट होता है ये होता है सॉल्वेंट का प्रेशर होता है इक्वल्स टू डब्ल्यू टू एम वन डब्ल्यू वन एम टू. ठीक है
तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो आपके पास सेम है तो वो कांस्टेंट रहेगा, एम वन भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी क्योंकि उसका जो मास है वो भी सेम है, डब्ल्यू वन क्या है जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है वो 20 ग्राम है, तो डेल्टा पी ए डिवाइड बाई डेल्टा पी बी क्या होगा एम बी बाई एम ए। आप देख रहे हो कि जो एम ए है एम बी से बड़ा है, एम ए जो है वो एम बी से बड़ा है, देयरफॉर जो डेल्टा पी बी है वो ग्रेटर डेल्टा पी ए के, जो बी है वो शो करेगा ग्रेटर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि देखिए जो डेल्टा पी ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका एम ए का, ठीक है, और जो डेल्टा पी बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम बी का, तो अगर डेल्टा अगर एम ए ग्रेटर है एम बी के तो डेल्टा पी बी ग्रेटर होगा डेल्टा पी ए के, तो बी बी जो होगा वो ग्रेटर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर जो है वो शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आफ्टर रिमूविंग द आउटर शेल ऑफ द टू एग्स इन डिल्यूट HCl, आफ्टर रिमूविंग द आउटर शेल ऑफ टू एग्स, जब हम दो एग्स का आउटर शेल रिमूव कर देते हैं इन डिल्यूट HCl में, एक को हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया और दूसरे को हमने प्लेस्ड किया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे और क्यों? एग इन वाटर, जब आप एग को वाटर में डालोगे जो उसका आउटर शेल रिमूव किया है जिसमें क्या था HCl था, HCl से रिमूव करके उसको वाटर में डाला तो वो क्या कर जाएगा स्वेल कर जाएगा, जब आप उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा। दिस इज बिकॉज ये होता है रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगता है जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है वो फ्लो करता है लो कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर प्लेस्ड इन 1% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो अगर आप आरबीसीज को 1% NaCl सॉल्यूशन में डाल दो और दूसरा RBC को 0.5% NaCl में डाल दो, अगर आप रेड ब्लड कॉर्पसल्स को 1% NaCl सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या कर जाएगा श्रिंक कर जाएगा, अगर आप 0.5% में डालोगे तो वो स्वेल कर जाएगा इवन बर्स्ट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज जो RBCs होते हैं वो मोर आइसोटोनिक होते हैं विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन। Given is the adjacent figure, एक आपको figure given है और इसमें आपको बताया गया है कि जो pressure आप यहाँ पे applied कर रहे हो वो greater है osmotic pressure जिसका symbol होता है pi। Name the process occurring in the above plant, इसमें कौन सा process चल रहा है, इसमें जो process चल रहा है desalination चल रहा है, removal of salts from sea water by reverse osmosis। Desalination क्या होता है, that is removal of salts from sea water by reverse osmosis। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कई impurities हैं, अगर हमने impurities को remove करना है तो यहाँ पे जो pressure हम apply करेंगे तो जो sea water होगा remove, उसमें से salt जो हम remove कर लेंगे। To which container does the net flow of solvent takes place, कौन से container में net flow of solvent जो है हो रहा है, फ्रॉम सी वाटर कंटेनर टू द फ्रेश वाटर कंटेनर, अब यहाँ से जा रहा है सी वाटर कंटेनर से फ्रेश वाटर कंटेनर में जा रहा है और यहाँ पे जो सॉल्ट है वो यहीं पे रह जाएगा। नेम वन SPM विच कैन बी यूज इन दिस प्लांट, सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सूटेबल स्पॉट, यहाँ पे जो सेलुलोज एसीटेट यहाँ पे स्पॉट, ये जो आप देख रहे हो जो हमने डायफ्राम इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये जो डायग्राम है जो हमने अलग की हुई है यहाँ पे थिकनेस, ये आप जो लाइन देख रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल लगा है सेलुलोज एसीटेट,
गिव वन प्रैक्टिकल यूज, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है कि सॉल्ट को आपने रिमूव करना है सी वाटर से टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, ताकि ड्रिंकिंग वाटर जो है हमें मिल सके. When fruits and vegetables that have dried are placed in water, जब fruits और vegetables that have dried उसको जब आप पानी में डालते हो, they slowly swell, swell होना शुरू हो जाते हैं और वापस original form में आ जाते हैं, उसका कारण क्या है? Would the temperature increase accelerate the process? इससे क्या होगा कि जो temperature क्या बढ़ेगा इस process में, और उसको हमने explain करना है. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होते हैं, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. जब वो ड्राई होते हैं, कंसंट्रेशन इनसाइड इज हायर, उनकी जो इनसाइड कंसंट्रेशन होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हायर होती है. जैसे ही उसको आप पानी में डालोगे, वाटर जो होगा वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है. तो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे स्वेल हो जाएंगे और वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे. ये जो प्रोसेस हो रहा है इससे क्या होगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होगा वो और तेजी के साथ हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने से. ठीक है. व्हाई डज द यूज ऑफ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम, जो प्रेशर कुकर होता है वो कुकिंग टाइम रिड्यूस क्यों कर देता है? द वेट ऑफ द लिड, वेट ओवर द लिड, लिड के ऊपर जो वेट है वो ये एलो नहीं करता कि जो स्टीम है वो उसको प्रेशर कुकर से बाहर जाए, जिससे क्या होता है कि प्रेशर इनसाइड द कुकर इतना हाई होता है, हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग भी ज़्यादा होगी और उतना कुकिंग भी फास्टर होगी. वट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पर क्या होगा अगर वेट ऑफ द सोल्यूट डबल हो जाए और सॉल्वेंट हाफ हो जाए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला चेक करो तो वो क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा. आपने सोल्यूट को डबल कर देना है और सॉल्वेंट को हाफ कर देना है, तो आपके पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 4 times हो जाएगा. Why is camphor preferred as a solvent? Camphor को हम सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? इन फाइंडिंग द मोलिकुलर मास ऑफ नेपथलीन, जब हमें नेपथलीन का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है बाय रास्ट मेथड. कैम्फर का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, ऑफ के एफ 39.7 डिग्री सेल्सियस, एंड द डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट इज लार्ज फॉर ए सोल्यूशन ऑफ नेपथलीन इन कैम्फर. जो नेपथलीन की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, KF वैल्यू दैट इज 39.7 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो है हम उसको प्रेफर करते हैं एज अ सॉल्वेंट. व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड ऑन एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू इट, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है जब उसमें से सोडियम क्लोराइड डालते हैं? जब हम उसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं, जब सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो वेपर्स बनते हैं वो कम बनते हैं वहाँ पे. द सोल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड मोर, हमें सोल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा अगर हमें वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लेके आना है. जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएंगे इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनक्रीज हो रहा है. टू लिक्विड्स हैं ए एंड बी, उनको बॉयल कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, किसका वेपर प्रेशर हाइयर होगा? लिक्विड ए विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर वोलाटाइल, हैंस आई विल हैव हायर वेपर प्रेशर. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. लिक्विड ए विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर वोलाटाइल, हैंस विल हैव हायर वेपर प्रेशर. वाई एन ए सी एल सोल्यूशन फ्रीजिज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर. जब वेन ए सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए सोलवेंट, जब आप सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हो तो उसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है. एज ए रिजल्ट सोल्यूशन बॉयल होता है हायर टेम्परेचर पे और सोलवेंट फ्रीज होता है लोअर टेम्परेचर पे. जब हम सोल्यूट डिजोल्व करते हैं सोलवेंट में और अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि वेपर्स नहीं बनेंगे.
उससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन बॉयल होगा फिर वो हाइयर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, कम पे नहीं बॉयल होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो फ्रीज होगा एट अ लोअर टेम्परेचर. व्हाट फ्रीजेस आउट फर्स्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज कूल्ड. सबसे पहले कौन सा फ्रीज होगा अगर उसमें कॉमन सॉल्ट जो है कूल हो जाए, तो वाटर एज आइस. सबसे पहले वाटर जो है जल्दी फ्रीज होगा. व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, हाउ डज इट वर्क. कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट बिकॉज इससे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का वो कम हो जाता है टू सच एन एक्सटेंट. वो फिर वाटर जो है वो आइस में फ्रीज नहीं हो पाता क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है. इसलिए इसको यूज़ किया जाता है जब रोड्स पे स्नो होती है तो उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू. इक्विमोलल सॉल्यूशंस ऑफ NaCl और BaCl2 उसको प्रिपेयर किया हमने वाटर में. फ्रीजिंग पॉइंट जो NaCl का गिवन है वो -2 डिग्री सेल्सियस है. व्हाट फ्रीजिंग, आप BaCl2 की क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. तो I फॉर NaCl आपको गिवन है 2, ठीक है, और आपको ये गिवन है BaCl2 दैट इज 3. NaCl एंड BaCl2, NaCl2 के जो फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए ना -2 डिग्री सेल्सियस दैट इज 2, ठीक है, और BaCl2 का आपने फाइंड आउट करना है. आई आपको गिवन है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 3, ये भी आपको गिवन रहेगा. तो आपने क्या करना है, इसकी रेशियो निकाली. BaCl2 का आपने फाइंड आउट करना है. BaCl2 को आप यहाँ पे ले जाओगे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. और जो डेल्टा टी एफ NaCl का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीजिंग आई फॉर NaCl, BaCl2 3, और NaCl का जो टी एफ है वो आपको गिवन है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और BaCl2 को आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस. Why is freezing point depression 0.1 molar sodium chloride solution nearly twice that of 0.1 molar glucose solution? जो freezing point depression freezing point होता है sodium chloride का, वो दो गुना क्यों हो जाता है then 0.1 mm glucose solution के. जो sodium chloride है जब हम उसको electrolytes करते हैं तो वो dissociate हो जाता है Na positive और Cl negative में, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोशिएट नहीं होता. इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के होते हैं वो डबल हो जाते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन से. तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. एक्सप्लेन व्हाई इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर नॉट आइसोटोनिक. आइसोटोनिक क्यों नहीं होते, जो NaCl होता है वो डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Na2SO4 होता है तो वो होता है 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में. जो NaCl Na2SO4 है उसकी जो इक्विमोलर सॉल्यूशन होती है उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है. इसके 2 आयंस है, इसके 3 आयंस है, 2+1+3, इसके 1+1+2 है. एज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, इसलिए इनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होगा क्योंकि इनके आयंस क्या हैं, डिफरेंट है. व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस को क्यों यूज किया जाता है एज अ क्राइटेरिया, ताकि उसकी प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस चेक की जा सके. जो प्योर कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, और जो उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इफ एनी, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगी, कम कर देगी. इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस है उसको यूज किया जाता है प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस के लिए.